हे गाइस, मेरा नाम है सौरभ और मैंने ना 10 दिन पहले एक 1.5 साल पुराना स्मार्टफोन बाय किया है, OnePlus 7T। ये फोन मैंने सेकंड हैंड परचेस करा है क्योंकि ये फोन अभी हमें न्यू में देखने को नहीं मिलता है। और ये फोन परचेस करने का एक ही रीजन था कि इस फोन में हमें काफी तगड़ा प्रोसेसर देखने को मिलता है, कॉलकम स्नैपड्रैगन का 855+ का। और काफी सारे लोग आज भी इस टाइप के फोन लेना चाहते हैं गेमिंग के लिए, जो की सेकंड हैंड में कम प्राइस में मिल जाए और काफी तगड़ी परफॉर्मेंस भी दे। तो मैंने सोचा क्यों ना OnePlus 7T को परचेस किया जाए और इस फोन का गेमिंग टेस्ट किया जाए अच्छे से, और पता करे कि क्या 1.5 साल पुराने OnePlus के डिवाइसेस में हमें सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलती है जितनी कि हमें न्यू स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। क्योंकि न्यू में तो हमें सभी स्मार्टफोन्स में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, लेकिन असली सच पता चलता है कुछ महीने या फिर 1 साल के बाद में ही असली सच पता चलता है कि कैसे परफॉर्मेंस देती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा पिछले 10 दिनों में इस फोन से पबजी और सीओडी को लेकर, और क्या आपको OnePlus 7T गेमिंग पर्पस से 2021 में लेना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो इस फोन में हमें एक 6.55 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से जब आप गेम्स वगैरह खेलोगे आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग मिलेगा। कलर्स एकदम आपको मस्त लगेंगे देखने में, एकदम वाइब्रेंट रहते हैं, और साथ ही में इसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से गेमिंग के टाइम पे स्मूथनेस जो आपको मिलेगी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी आपको मिलेगी, बहुत ही ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप पहले से किसी 60Hz रिफ्रेश रेट वाले डिवाइस को यूज करे होंगे, उसके बाद आप इस फोन पे शिफ्ट करोगे तब आपको काफी बड़ा डिफरेंस पता चलेगा स्मूथनेस के मामले में। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस फोन में हमें कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का 855+ का प्रोसेसर देखने को मिलता है और ये डिवाइस 8GB रैम के साथ में आता है। ग्राफिक सेटिंग की बात करूं तो सीओडी में आपको लो में मैक्स का और वेरी हाई में भी आपको मैक्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, और पबजी में आपको स्मूथ में 90fps तक का ऑप्शन मिलता है और हाईएस्ट आपको अल्ट्रा HD का ऑप्शन देखने को मिलता है। लो सेटिंग्स की बात करूं सीओडी या फिर पबजी की, तो परफॉर्मेंस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की आपको देखने को मिलेगी। मैक्सिमम टाइम आपको 60fps ही देखने को मिलेगा गेम प्ले में, ना कोई फ्रेम ड्रॉप्स ना कोई लैग्स, बिल्कुल मक्खन की तरह चलता है, कोई भी आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। मैं पिछले 1 वीक से इस फोन में गेमिंग कर रहा हूँ, जितनी बार भी मैंने इस फोन में गेमिंग की है काफी ज्यादा मुझे मजा आया है, और एक बार भी मुझे किसी भी तरह का लैग्स या फिर किसी भी तरह का फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह कुछ भी देखने को अभी तक नहीं मिला है। और इस फोन के ग्राफिक्स भी काफी ज्यादा मस्त लगते हैं देखने में। इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर इस फोन में आप गेमिंग वगैरह करोगे तो इस फोन में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। In the lead. Expired. Enemy down. Reloading. Cover me. Kill. Reloading. लो सेटिंग्स के बारे में बात हो ही गई, तो अब बात कर लेते हैं कि क्या आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। अगर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। अब बात कर लेते हैं हाई सेटिंग्स की। तो हाई सेटिंग्स में सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो आपको पसंद आएगी वो है इस फोन की ग्राफिक्स। ग्राफिक्स इस फोन की आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी, एकदम मस्त लगते हैं देखने में, डिटेलिंग भी बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। एफपीएस की बात करूं तो मैक्सिमम टाइम इसमें भी आपको 58 से 60 के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। गेम प्ले हाई सेटिंग्स में भी एकदम मस्त चलते हैं, स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी आपको काफी ज्यादा। हाँ, थोड़े बहुत आपको फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह देखने को जाते हैं, मतलब एकदम माइनर वाले, जब 2-3 स्क्वाड एक ही साथ एक ही जगह पर फाइट ले रही होती है तब, अदरवाइज गेम प्ले काफी ज्यादा मक्खन की तरह चलती है। अब बात कर लेते हैं उस चीज के बारे में जो इस फोन की थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है, थोड़ी नहीं थोड़ी ज्यादा ही, वो है इस फोन की बैटरी लाइफ। इस फोन में आपको 3800mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, और प्लस इसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बैटरी लाइफ काफी जल्दी ड्रेन होती है। आधे घंटे की गेम प्ले में आपको अराउंड 15-18% तक की बैटरी डिक्रीज देखने को मिल जाती है, और अगर मैं 90Hz से 60Hz में भी चले जाऊं तो भी मुझे
ज्यादा का डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। 12% लगभग डिक्रीज देखने को मिल जाती है आधे घंटे की गेम प्ले में। वैसे इस फोन की चार्जिंग टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा अच्छी है। इसके साथ में आपको एक 30 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है जो कि इस फोन को काफी जल्दी फुल चार्ज कर देता है। भले इस फोन की बैटरी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है लेकिन चार्जिंग टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा अच्छी है। बात आ जाती है कि क्या आपको OnePlus 70 सेकंड हैंड गेमिंग पर्पस से लेना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आप थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो उसकी बैटरी लाइफ से देन आप डेफिनेटली इस फोन को ले सकते हो। आंख बंद करके कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा आपको इस फोन से बिना किसी लैग बिना किसी फ्रेम ड्रॉप वगैरह के। तो डेफिनेटली आप इस फोन को ले सकते हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल जाएगा तो उसे दबाकर आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।